नमस्कार दोस्तों दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज, जिसकी शुरुआत 1901 से मानी जाती है, अब तक यह पुरस्कार शांति के क्षेत्र में लगभग हर साल यानी 10 दिसंबर को इस पुरस्कार की घोषणा होती है। और पुरस्कार देने की शुरुआत रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी ने, अब तक 19 बार इन पुरस्कारों की कोई घोषणा नहीं हुई है, जबकि अब तक कुल 27 बार इन पुरस्कारों की घोषणा किसी व्यक्ति का नाम ने मानकर किसी न किसी संस्था को दी गई हर साल यानी शांति के लिए पुरस्कार की घोषणा होती है। साल 2023 में ये पुरस्कार शांति के लिए नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। इस बार भी शांति पुरस्कार की जैसे ही घोषणा हुई तो गांधी जी का पुरस्कार नहीं देने के बारे में बातें फिर आज जिंदा हो गई। आज तक जिंदा या मौत के बाद पुरस्कार नहीं दिए जाने की चर्चा और बहस ने जोर पकड़। आज दिनांक तक नोबेल कमेटी ने आज तक इस पर टिप्पणी नहीं की, क्योंकि आमतौर पर लोगों का ये ख्याल रहता है कि नोबेल कमेटी गांधी जी को इस पुरस्कार से सम्मानित कर अंग्रेजी साम्राज्य की नाराजगी की मोल नहीं लेना चाहती थी। लेकिन हाल ही में कुछ दस्तावेजों से यह उजागर हुआ है कि नोबेल कमेटी पर इस तरह का कोई भी दबाव या प्रेशर नहीं। दोस्तों, महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार देने के लिए अब तक 4 बार नामित किया जा चुका है। साल 1937, साल 1938, साल 1939 और साल 1947 के लिए उनका नामांकन किया गया था। 1937 में नॉर्वे के एक सांसद ने उसका नाम सुझाया था, लेकिन पुरस्कार के समय उनको नज़रअंदाज कर दिया गया था। इस बारे में उस समय उपलब्ध दस्तावेजों का पता चलता है कि जिसमें नोबेल कमेटी के सलाहकार जेकब वारमुलर ने इस बारे में टिप्पणी की थी। उन्होंने लिखा था कि गांधी हमेशा अहिंसा की अपनी नीति पर कायम नहीं रहे। उन्होंने इस बात पर भी टिप्पणी की है कि उन्होंने कभी प्रवाह नहीं की कि अंग्रेजों के खिलाफ उनका अहिंसक प्रदर्शन कभी भी हिंसक रूप ले सकता है। जेकब वारमुलर ने आगे लिखा है कि उनकी राष्ट्रीयता भारतीय संदर्भों तक ही सीमित थी, चाहे वह अमेरिका आंदोलन की बात करें या भारत में हुए आंदोलनों की बात करें। 1947 में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए प्रतिनिधि के समिति द्वारा शॉर्ट लिस्ट किए गए 6 नामों में एक नाम महात्मा गांधी का भी था। हालांकि भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष के बीच 5 में से 3 सदस्य गांधी के पुरस्कार देने के पक्ष में नहीं थे। अगर 1947 का पुरस्कार रवेक्षर को दिया था, 1948 आते आते नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन के अंतिम सीटिंग से 2 दिन पहले यानी 1947 को गांधी जी की हत्या कर दी जाती। लेकिन तब ये समस्या थी कि उस समय मरणोपरांत पुरस्कार नहीं दिया जाता, लेकिन उस समय इस तरह की गुंजाइश भी थी कि शेष हालात में ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया भी जा सकता था। लेकिन उस समय नोबेल कमेटी के समक्ष सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस समय पुरस्कार की रकम किससे अदा की जाए, क्योंकि उस समय गांधी जी का कोई ना तो संगठन था या ना कोई ट्रस्ट, उनकी कोई जायदाद ही नहीं थी और न ही इस संबंध में उन्होंने कोई वसीयत अपने नाम की छोड़ी थी। लेकिन कमेटी किसी भी कानूनी संकट में नहीं पड़ना चाहती थी और तब हालात ये हो गया था कि 1948 में नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया था। कमेटी ने अपनी प्रतिक्रिया में लिखा था कि अगर 1948 में गांधी जी की मौत नहीं होती तो नोबेल पुरस्कार उन्हीं को मिला। आज हम ये सोचने पर मजबूर है कि गांधी जैसी शख्सियत भी ये पुरस्कार पाने के लिए मोहताज थी, लेकिन गांधी जी की इज्जत नोबेल पुरस्कार से बढ़कर हमारे भारत देश में और इसके साथ साथ दुनिया में हमें देखने को मिलती। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।